हेलो दोस्तों, वीडियो के टाइटल और थंबल देख के समझ गया जो वीडियो किस टॉपिक पर है, किस टॉपिक पर है। यानी कि वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये हर घर का मसला होता है कि आपके जो वॉशरूम के वाटर लीकेज या सेवेज लीकेज हो जाती है, तो उसको आप कैसे सही करेंगे, नहीं करेंगे। इस वॉशरूम में ये मसला है कि इसके लीकेज हो रही है। अब इसमें लीकेज हो रही है तो पता कैसे चले कि सेवेज का लीकेज है या वाटर का लीकेज है पाइपों का। तो इसका मैं आपको तरीका बताऊंगा कि इसको आप कैसे जानेंगे। इसको मैं एंड में आपको बताऊंगा। पहले अभी यहाँ के बारे में बताते हैं कि इसको जब आपके घर में कोई तलिया लीक हो जाए, वॉशरूम लीक हो जाए, तो उसको आपको किस तरह सही कराना है या क्या खर्चा होगा, किस तरह, ये इस वीडियो में सारा आपको बताएँगे। अभी हम फ़िलहाल इस तलिया को तोड़ेंगे, इस फर्श को तोड़ेंगे वॉशरूम के, जैसे भी फर्श थोड़े से इसे तोड़ के इसको लाइन को क्लियर करेंगे। इसमें वीडियो को आपके नॉलेज के लिए बहुत अच्छी वीडियो, इसमें हर डिटेल से आपको बताएंगे कि आपका अगर आपको वॉशरूम टूट जाए तो तोड़वाने से पहले आपको क्या करना चाहिए, उससे पहले आपको क्या करना चाहिए। आप घर में ख़ुद मालूम कर सकते हैं कि आपका वॉशरूम का तलिया लीक है या साइडों का वाटर पाइप लीक है। सेवरेज का अलग होता है, नलकों का लाइन अलग होता है। आप देख सकते हैं हमने तलिया को पूरा खोल दिया क्योंकि हमें कन्फर्म हो गया कि तलिया लीक है। इस तरह आपको, अगर आप मिस्त्री हो या ठेकेदार हो, प्लम्बर हो, जो ये वीडियो सबके नॉलेज के लिए है, ये तकरीबन इनके जो पॉइंट हैं जॉइंट लीक थे, तो सही जॉइंट इनके लीक थे। अभी हम अगर आपको तलिया कभी भी काम करवाना या कर रहे हो तो हमेशा पूरे तलिया को खाली करवाएं। जिस तरह ये पुराने जो आप लाइन नहीं देख सकते सर्विस लाइन, ये सारे ओपन करें तो उस किनारी भी जो है सारे साफ़ करवा कर अच्छी तरह तसली करके फिर काम करें, क्योंकि लीकेज के मसले में कोई आप गुंजाइश नहीं छोड़ सकते। ये जो किनारी है इसको सारे को साफ़ करके, अगर दीवारों से पानी तो नहीं आ रही। और जो मैं कह रहा था कि अगर आप पता कैसे करोगे कि आपका वॉशरूम का तलिया लीक है या वाटर पाइप जो साइड नलकों है उनका पाइप लीक है या सेवरेज का, तो इसका मेन जो तरीका है वो आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। सबसे मेन चीज़ यही है। अभी देखिए, हमने ये नए फिटिंग कर रहे क्योंकि आपको ये वीडियो आप देखते भी थे, समझ में भी आएगा आपको। तो देखिए, अगर आपको ये जानना है कि आपका तलिया लीक है या फ्रेश, तो आपको करना है कि आपने वॉशरूम को 3 दिन के लिए बंद कर देना है, यूज़ नहीं करना है, सही है। और आपको जो नलकों में जो पानी है ना उसको चालू रहने देना है, यानी कि उसका मेन वाला बंद नहीं करेंगे, मेन वाला चालू करेंगे और वॉशरूम इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर उसके बाद पानी देखेंगे आप कम हो गया या आने बंद हो गया, इसका मतलब ये है कि आपका सर्विस लाइन लीक है। अगर आप वॉशरूम इस्तेमाल करने के नहीं करे उसके बाद भी लीकेज कर रहा है, तो इसका मतलब कि आपके जो वाटर पानी के जो कनेक्शन है वो लीक है, सही है। ये तो मेन टॉपिक है, ये जानना लाजमी है। अगर आपको फिर भी कोई वीडियो में कोई ऐसी चीज़ समझ में नहीं आ रही या आप मेरी वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट लाजमी करें, मैं आपको कमेंट रिप्लाई करूँगा, आपको जवाब दूँगा। अगर आपका तलिया लीक है तो आपको क्या करना चाहिए नहीं चाहिए, इसका मैं आपको कमेंट में जवाब दे दूंगा, सही है। ये आपके बहुत अच्छे काम होंगे। वो देखिए, हमने फिटिंग कर ली है पुरानी तरीके से फिटिंग की, और मलबा डालेंगे इसमें। आप देख सकते किस तरह डालें, पॉइंटों में ख़ास तौर से ख्याल करें कि सीमेंट पक्का मजबूती करके डालें और माल भी ऐसा बनाए कि जगह तेज सीमेंट से हो आपके सामने। उसके बाद अभी हम कच्चा करेंगे, देखें अंदर ही माल गीला करके, और जो खास तौर जो पॉइंट आप देखें ना, यहाँ सीमेंट पक्का करके लगाए कि यहाँ जॉइंट कहीं लीक ना हो, सही। अब हम कच्चा भी कर चुके हैं, आप देख सकते हैं। ये कि कच्चे में आपको ये कि खुद कर रहे हैं, ठेकेदार करवा रहे हैं या आपको आप मिस्त्री आप खुद कर, तो एक चीज़ का लाजमी ख्याल करें कि ढलान का बड़ा हिसाब किताब होना चाहिए। या आप मिस्त्री से करवा रहे तो उसको भाई बोले हाँ भाई ढलान का सही तरीके से निकालना, ये चीज़ लाजमी होती है। और इसमें के टाइल माइल भी आप अच्छे लगाए जिससे खूबसूरती लगे कि वो आपके वाकई में वॉशरूम अच्छे है। और इसके अलावा आप हमारे जो इस चैनल पे ना ऐसी प्लम्बर के, इलेक्ट्रिशियन के, टाइल्स के काम हम लोग के वीडियो बना के सिखाते दिखाते, तो आप हमारे चैनल में लाजमी विज़िट करें। हमारे वीडियो अगर आपको पसंद आए तो सबसे पहले आपको हमारे वीडियो में क्या करना है, देखें लाइक कर देना है, तो आपको जो लाल बटन दिख रहा है राइट साइड में, सब वहाँ आपको सब्सक्राइब कर देना है। इससे आपको कोई पैसा नहीं जाएगा, कोई इसमें नहीं, बस हमारे वीडियो को
बनाने के लिए हौसला अफजाई हो जाएगी। और आपको घंटी का भी लाजमी बतावा दे कि घंटी का बटन आप ऑन करेंगे तो हमारी वीडियो जब भी आएंगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। अभी आप देख सकते हैं हमने पूरे वॉशरूम को तैयार कर चुके, टाइल भी लगा चुके, दिखा नहीं सके कि टाइम ऐसे थे, मगर आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं। फिलिंग विंग हो गया, कमोड भी हमने लगा दिए, अभी कमोड कनेक्शन लगा रहे। ठीक है, और कुछ समझ में आए तो कमेंट लाजमी कर देना। अल्लाह हाफिज़।